जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ एपी गुप्ता, एचओडी बायोलॉजी, मोमेंटम छात्र संघ चौक। हम लोग चर्चा कर रहे हैं नीट स्पेशल्स के न्यू सीरीज की। तो नीट स्पेशल के सीरीज में हम लोग उन्हीं पॉइंट को, उन्हीं कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं जो नीट के पॉइंट व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलता है। आइए हम लोग सीखते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज। प्लांट्स में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज में क्या क्या होता है? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज के दौरान प्लांट का कौन सा भाग किस भाग में चेंज होता है, इसके बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरी। तो ओवरी ये प्लांट का एक पार्ट है। तो ओवरी किसमें डेवलप होता है, तो ओवरी से क्या बनता है? तो सिंपली हम कह सकते हैं ओवरी से फ्रूट बनता है। तो फ्रूट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरी। तो हम फ्रूट को जानते हैं, यह एक राइपेंड ओवरी होता है। तो फ्रूट को डिफाइन करते हैं, फ्रूट इज नथिंग, दिस इज द राइपेंड ओवरी, क्योंकि ओवरी से ही फ्रूट बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओव्यूल। तो ओव्यूल, ओव्यूल से क्या डेवलप होता है, मतलब ओव्यूल किसमें डेवलप होता है? तो ओव्यूल डेवलप्ड इनटू द सीड। तो ओव्यूल से बनता है सीड। तो ओव्यूल डेवलप्ड इनटू द सीड। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओवरी से फ्रूट बनेगा और ओव्यूल से सीड बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरी का वाल। तो ये ओवरी है जो इसका वाल होता है, तो ओवरी के वाल से बनता है फ्रूट का वाल, क्योंकि ओवरी से फ्रूट बनेगा, तो फ्रूट का वाल बनेगा ओवरी के वाल से। तो नेक्स्ट है ओवरी वाल डेवलप्ड इनटू फ्रूट वाल, फ्रूट वाल। और जैसा कि हम जानते हैं फ्रूट वाल को हम कहते हैं पेरिकार्प। फ्रूट वाल को हम पेरिकार्प के नाम से जानते हैं। तो पेरिकार्प तीन होते हैं, आउटर पेरिकार्प, आउटर पेरिकार्प, इनर पेरिकार्प और मिडिल पेरिकार्प। पेरिकार्प तो आउटर, मिडिल और इनर। आउटर को एपिकार्प कहते हैं, मिडिल को मीजोकार्प कहते हैं और इनर को इंडोकार्प कहते हैं। यहां पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एपिकार्प प्रोटेक्टिव होता है, मीजोकार्प फ्लैशी होता है और मैंगो में यह एडिबल होता है। कोकोनट का जो इंडोकार्प होता है वो स्टोनी होता है, मतलब हार्ड होता है। आगे हम बात करते हैं इंटुगमेंट। तो इंटुगमेंट क्या होता है, यह ओव्यूल का कवरिंग होता है। तो ओव्यूल के कवरिंग्स को इंटुगमेंट कहते हैं और इंटुगमेंट से बनता है सीड कोट, सीड कोट। क्योंकि ओव्यूल से बनता है सीड, तो ओव्यूल के कवरिंग से बनेगा सीड का कोट। सीड कोट दो होते हैं, आउटर सीड कोट और इनर सीड कोट। तो इंटुगमेंट भी दो होंगे, आउटर इंटुगमेंट से, आउटर इंटुगमेंट से आउटर सीड कोट बनता है, जिसको हम नाम देते हैं टेस्टा। तो टेस्टा को हम कहते हैं आउटर सीड कोट। और इनर इंटुगमेंट से बनता है टेगमेन, टेगमेन। तो टेगमेन बनता है और टेगमेन को कहते हैं इनर सीड कोट। नाउ वी हैव द थर्ड स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर न्यूसिलस। तो न्यूसिलस ओव्यूल का पार्ट है, इसको मास ऑफ सेल कहते हैं। तो न्यूसिलस ये डिजेनरेट कर जाता है। तो न्यूसिलस पोस्ट फर्टिलाइजेशन के दौरान डीजेनरेट कर जाएगा, इसका डीजेनरेशन हो जाएगा। लेकिन समटाइम्स कभी कभी यह न्यूसिलस पेरिस्पम के फॉर्म में रह जाता है, कुछ प्लांट में यह पेरिस्पम के फॉर्म में रह जाता है। तो इसलिए पेरिस्पम को कहते हैं दीज आर रिमिनेंट न्यूसिलस, पेरिस्पम को कहते हैं रिमिनेंट न्यूसिलस। ठीक, तो समटाइम, समटाइम है ना, तो समटाइम कुछ प्लांट में यह पेरिस्पम, पेरिस्पम के फॉर्म में रह जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग सेल, यह एम्ब्रियो सैक का पार्ट है एग सेल। तो एग सेल से क्या बनता है, तो एम्ब्रियो सैक का पार्ट है एग सेल। तो एग सेल पॉलन ग्रेन के साथ फ्यूज करके जायगोट का निर्माण कर देता है। तो एग सेल डेवलप्ड इनटू द जायगोट, एग सेल से जायगोट बनता है। नेक्स्ट होता है सिनर्जिड सेल। तो सिनर्जिड सेल ये भी एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सैक का पार्ट है। तो सिनर्जिड सेल ये डिजेनरेट कर जाएगा, इसका डिजेनरेशन हो जाएगा, मतलब ये डिजेनरेट कर जाएगा। नेक्स्ट होता है एंटीपोडल सेल। तो एंटीपोडल सेल भी एम्ब्रियो सैक का पार्ट होता है। तो एंटीपोडल सेल भी डिजेनरेट कर जाता है, ये भी डिजेनरेट कर जाएगा, कहने का मतलब इसका डिजेनरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट होता है हिलम, हिलम
या ओव्यूल में पाया जाता है, तो ओव्यूल का हिलम ये क्या बनाएगा, सीड का हिलम। तो हिलम ऑफ ओव्यूल डेवलप्ड इनटू हिलम ऑफ सीड, हिलम ऑफ सीड, इससे सीड का हिलम बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूनिकल्स, तो फ्यूनिकल्स ओव्यूल में पाया जाता है, इसको स्टाक ऑफ ओव्यूल कहते हैं। तो यह किस में चेंज होगा, स्टाक ऑफ सीड, स्टाक, स्टाक ऑफ सीड, तो यह सीड के स्टाक में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट होता है माइक्रोपाइल, ओव्यूल के ओपनिंग को कहते हैं माइक्रोपाइल। तो ओव्यूल का माइक्रोपाइल किस में डेवलप होगा, तो दीज आर डेवलप्ड इनटू माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल ऑफ, माइक्रोपाइल ऑफ सीड, यह सीड के माइक्रोपाइल में चेंज हो जाएगा। सीड के ओपनिंग को माइक्रोपाइल कहते हैं, इसी माइक्रोपाइल से सीड के अंदर एयर और वाटर इंटर करता है, तब जाके सीड जर्मिनेट करता है। अगर एयर और वाटर सीड में ना इंटर करे तो सीड कभी भी जनरेट जर्मिनेट नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चलेजा, तो चलेजा ये भी ओव्यूल का बेस कहलाता है। तो चलेजा से क्या बनता है, आप कह सकते हैं चलेजा ऑफ सीड, चलेजा ऑफ सीड, तो ओव्यूल के चलेजा से सीड का चलेजा बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जायगोट, तो जायगोट से क्या डेवलप होगा, तो जायगोट ही चेंज होता है एम्ब्रियो में, तो जायगोट से बनता है एम्ब्रियो। नेक्स्ट होता है पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये किससे बनता है, तो हम कह सकते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन यह सेंट्रल सेल से होता है, सेंट्रल सेल, तो सेंट्रल सेल, तो ध्यान दीजिएगा सेंट्रल सेल, तो सेंट्रल सेल और प्लस पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन फ्यूज करते हैं तो बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से ना बन जाता है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। तो प्लांट का जो एंडोस्पर्म होता है वो किससे बनता है, पेन से, किससे बनता है, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो हम लोग नेट स्पेशल में चर्चा किए ना पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या क्या होते हैं, इसी तरह से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।